अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सो के आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में खुश हैं जी। तो आज की मेरी वीडियो है वो है ओपन पोर्स के ऊपर। ओपन पोर्स का मसला कॉमन है आजकल और इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल हैं, लेकिन घर में सेफ और अच्छी सी रेमेडी मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। आजकल का दौर ऐसा है कि जिसमें अगर हम लोग अपनी स्किन का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखते तो हम लोग बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं, और ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसको स्किन प्रॉब्लम ना हो। और जो हैं तो वो मतलब 100 में से 30% जो हैं बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम जिनको नहीं होगी, या 20% ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम हर किसी को रहता है और स्किन की अगर प्रॉपर केयर ना की जाए तो ये बढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ बीमारियां आ जाती हैं। अच्छा जी, ओपन पोर्स किस वजह से होते हैं? ओपन पोर्स अक्सर हम लोग गर्म पानी यूज़ करते हैं, उस वजह से हम लोगों के पोर्स ओपन हो जाते हैं, या फिर हम लोगों को अक्सर पिंपल्स वगैरह निकलते हैं और वो खड्डे बन जाते हैं, जो उसके लिए मेरी रेमेडी है। रेमेडी बिल्कुल सिंपल सी है और इसके लिए हमें चाहिए फिटकरी। फिटकरी ये होती है जो मैं आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी, ये मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में जो होती है वो इसको पीस के बनाया जाता है, पंसार स्टोर से पाउडर फॉर्म में और दोनों में मिल जाती है। ये भी मेरे पास कुछ छोटी है और कुछ बड़ी है। आपको करना ये है कि अपने इसको जो हार्ड फॉर्म वाली है ना, जो बड़ी वाली है, इसको आप अपने वाशरूम में रख लें। जब आप अपना फेस वॉश करेंगे तो उसके बाद आप अपने फेस पर इसको जहाँ पे आपके ओपन पोर्स हैं वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे और इस तरह रब करना है। अच्छा, तो इसके बाद आप अपने फेस को ड्राई होने देंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव है, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो फिर आप इस तरह इसको नहीं यूज़ करेंगे, इस मेथड को। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। उसके लिए आपको चाहिए एक रोज़ वाटर, एक रोज़ वाटर स्प्रे जो होता है, या फिर अलग से स्प्रे रोज़ वाटर उसमें ऐड कर दें वो, और उसमें आपने हाफ टी स्पून जो फिटकरी पाउडर है वो मिलाना है और उसको शेक कर देना है। जब आप फेस वॉश करेंगे तो आप अपने फेस पर उसको वॉश करने के बाद अप्लाई करेंगे। रात को रोज़ाना लगा के सो भी सकते हैं, और अगर सेंसिटिव स्किन है तो फिर आप एक दिन के वक्फे के साथ लगाएंगे। और ये आपकी मतलब टाइम लगेगा इसमें, एकदम से मैं नहीं कहती कि एकदम से हो जाएगी आपकी स्किन ठीक, लेकिन आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसकी वजह से ओपन पोर्स का जो मसला है, आपके फेस में जो खड्डे वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसको जो मैंने पहले रेमेडी बताई थी स्किन पे रब करने वाली, वो भी इसी तरह यूज़ करेंगे। रात को सोने से पहले लगाएंगे और जब भी फेस वॉश करते हैं तब लगाएंगे। आपको एक वीक या 15 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आएगा, और आप खुद भी देखेंगे कि ये आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी बताई है मैंने तो। अच्छा, तो आपको मेरी रेमेडी उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि बिल्कुल भी कॉस्ट वाला नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो चलती हूँ मैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और वीडियो में।